या मैं भी एक साल के करीब हो गया, तो आज फर्स्ट टाइम है हमारा जो मिले हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो कैसे आप सब? तो अभी मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ और यहाँ से मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग 11:45 है। अभी 11:30 हो रहे हैं और 12:45 की फ़्लाइट है मेरी। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ से फिलीपींस यानी कि सीबू स्टेशन। और अगर आपको वीडियो में जानना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पर, तो वीडियो में बने रहे एंड तक, क्योंकि इसके बाद मैं अब जाकर एरोप्लेन में बैठूँगा और उसके बाद सीधा उतरूँगा जहाँ पर, वहाँ पर आपको कुछ और देखने वाला है। सी गाइज, आई एम गोइंग टू सिंगापुर टू सीबू, दिस इज़ द रीज़न। मिलते हैं इससे सीधा वहीं जाकर। G13 पहुंचना है मुझे, ये G16 to 21 है, G13 पहुंचना है मुझे अभी। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट और चलना पड़ेगा। तो सिंगापुर का ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है, हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पर चलते चलते। नली दोस्तों, ये खड़ा मेरा सीबू पैसिफिक, जिससे मैं जा रहा हूँ फिलीपींस सीबू सिटी। तो जल्दी से चलते हैं प्लेन के अंदर। एंट्री हो गई है, बोर्डिंग पास दिखा दिया है, नंबर है वो 5F। इट्स मीन अगेन मुझे शायद विंडो वाली सीट मिल गई है। मज़ा आ जाएगा विंडो सीट हुई तो, क्योंकि नाइट व्यू देखेगा पूरा। तो फाइनली सीबू पैसिफिक। फिर से विंडो सीट, सेम सीट पिछली बार की तरह 24F ना। अभी जब मैं दिल्ली से सिंगापुर आया था तो 24F थी वो, ये है 5F। फिर से विंडो पर मज़ा आ गया कि देखिए, तब यहाँ से नाइट व्यू देखने को मिलेगा। डे व्यू तो मैंने देख लिया था जब सिंगापुर आया, अब देखते हैं नाइट व्यू कैसा लगता है। उसके बाद सीधा पहुँचते अपना सीबू सिटी फिलीपींस। फाइनली गाइज, मैं टर्मिनल 2 पर आ गया, प्लेन से उतर गया था। उसके बाद जो इमिग्रेशन हुआ काफ़ी हार्ड हुआ, कम से कम 20 मिनट लगाए उन्होंने इमिग्रेशन में। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से आगे नहीं जान देंगे, वापस भेज देंगे, लेकिन बात संभालनी पड़ी। बहुत पहली बार देखा मैंने ऐसे इमिग्रेशन, लग ही नहीं रहा था कि आज छोड़ के मानेंगे। फिर यूट्यूब देखा मेरा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चेक किया, तब जाके स्टैंप लगाई उन्होंने। तो मैं उसको फ़ोन करने जा रहा हूँ, तो वो यहाँ पर आएगी। उसने यहीं पर ही पास में रूम लिया हुआ है अपने डैड के साथ। After long time, how many times we only completed in relationship? Yeah, maybe एक साल के करीब हो गया, तो आज फर्स्ट टाइम है हमारा जो मिले हैं। मुझे तो पता नहीं था बाहर ही खड़ी है, मैं तो वाईफाई कनेक्ट कर रहा था। सो फाइनली मैं होटल में आ गया हूँ। लीजल और उसके पापा लेने आए थे। Hey, look at it. Say hi. No, my face. Say hi. No way. Say hi, people. No, my face. It's later. Okay. It's okay. She's too much shy. And look at your face and my face. Yeah, you are darker. I'm saying, where's their height?
See now. I'm more taller. 5'5". 5'4". 5'4"? Yeah. 5'6". Wow. तो फाइनली गाइस फिलीपींस का पहली बार खाना खाने वाला हूँ मैं, जिसे कहते हैं कप नूडल्स। और अभी चेक करके बताता हूँ कि ये कैसे लग रहा है। मैंने लीजल से पूछा, वो ज़्यादातर यही खाती है अपने घर पे भी, तो अभी मैं भी ट्राई करने वाला हूँ कि कैसा है ये आखिरकार। इवन आई कांट, मेरे से तो उठ भी नहीं रही। दैट्स आई एम सेइंग, हाउ टू मच हाउ नो है, इट्स फाइन। लेकिन थोड़ा मैगी मसाले की जरूरत है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा। स्पाइसी बिकॉज़ नो अवेलेबल स्पाइसी, बट खाने में काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ गया खा के। वो जो मैंने जापानीज खाना खाया था ना, उससे तो काफ़ी अच्छा। जापानीज वाला तो जापानीज और वो अमेरिकन जो एयरपोर्ट पे खाया था वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा है फिलीपींस का है। थोड़ी मसाले की कमी है। सो फाइनली गाइस, सो गया था यहाँ, खाना वाना खा के, नूडल्स खा के, अब जाकर उठाऊंगा तब जा रहे हैं हम घर पर। यहाँ से हमें पहले शिफ्ट करना है, शिफ्ट मिलेगा पीए टू से वही। वी आर गोइंग इन शिफ्ट शायर टिल नाउ, तो चलते हैं जल्दी से गाइस। अभी जो है 9:30 हुए हैं, 12:30 बजे का हमारा शिफ्ट है। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, बारबेक्यू। व्हाट इज दिस बेब? बारबेक्यू चिकन, पोर्क, चिकन एंड फिश। ओह टू मच। एंड और दैट व्हिच इज स्क्विड? और डॉग? यहां तो ओह आई नो दैट। और डॉग? अभी ये खाकर शिफ्ट तो अभी 3 घंटे बाद है, तो देखते अभी क्या करना है यहाँ पर। पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि सबको भूख लग रही है। हाजी कॉलेज। तो भाई खाना आ गया हमारा। क्या दिस इज द कोकोनट लीव्स दैट वी पुट इन? कोकोनट लीव्स? या दिस इज कोकोनट लीव्स। ओह दे पुट राइस इनसाइड द कोकोनट लीव्स। ओह दैट लुकिंग डिलीशियस। एंड दिस इज चिकन बारबेक्यू एंड वी गोइंग टू ईट दिस नाउ। This is chicken barbecue. Let's try this. What? Yeah, this is rice. Yeah, I wanted this with rice. Rice also please. Rice with rice. With rice? Yeah, that's rice. Yeah. Chicken with rice. Barbecue. That's too much delicious here. एक बात बताऊं, चावल हमारे वहीं के ज़्यादा अच्छे हैं। अभी चाहिए थोड़े ठंडे हो गए पर। जगह जगह पर यहाँ पर बारबेक्यू और काफ़ी सारे चिकन नॉनवेज ज़्यादातर यही खाते हैं, फिश वेश यही सब। मज़ा आ गया खा खा के। तो फाइनली गाइस लंच करके हम आ गए हैं शिप के पास, और शिप यहाँ से लेकर जाएगा अब हमें ओरमोक से हम पकड़ेंगे गाड़ी जो कि हमें नवल ले जाएगी। और ये देखो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अरे रास्ते में हम जाने वाला है सुपर कैट, ये हमको 2 घंटे में ओरमोक छोड़ देगा। आज हम निकल जाएंगे बिल्लीरान के लिए। She's my girlfriend. I came here to meet her. But she's too much shy today. I don't know why shy. और ये रहा ship. मैं first time ship में travel कर रहा हूँ। फूड कॉर्नर भी यहाँ पर, और काफ़ी सारी सीट हैं, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। ये शिप जो है हमें 2 घंटे में छोड़ देगा क्योंकि सुपर कैट है, ज़्यादा स्पीड में चलेगा। हाय लीजल। oh
फाइनली और मॉक सिटी पहुंच गए शिप से जहां तक उतरना था। अब यहां से जा रहे हैं बिलीरान घर की तरफ। तो मिलते हैं गाइस सीधा घर पर। ये बहुत शर्मा रही है, मुझे नहीं लगता आज ये कैमरे में आएगी। ये देखो लुक एट कैमरा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए घर पर और ये मिलेगा आपको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।